नाजी मैं आपका खिदमत गुजार होस्ट अतरस कल्याण आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टैलेंट को लेके। मेरे साथ चुनेद जनेटर जिनका तल्लक फैसलाबाद से है, बड़े ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी हमारे फैसलाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और बहुत से बॉलर्स के इन्होंने जनेटर दिलाए हुए हैं, बहुत से बॉलर्स की इन्होंने दिलाई की है। हमारे साथ टैलेंट शो में मौजूद हैं और इनके साथ हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जुनेद भाई खुदा के फजल से कैसे हैं आप? टैलेंट शो में हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं और मैं बड़े ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर का आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है कि आप हमारे टैलेंट शो का हिस्सा हैं आज। जी कल्याण भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इस शो में अपने चैनल के लिए मदद की है, आपका सबसे पहले शुक्रिया। उसके बाद शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाए। हाँ जी, खुदा का शुक्र है। और नाजरीन मेरे इस इंटरव्यू को आप देखने से पहले, मतलब इस इंटरव्यू का आगाज़ करने से पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाले वीडियो का, हर नए आने वाले इंटरव्यू का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस इंटरव्यू को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस इंटरव्यू में पूरे फैसलाबाद के क्रिकेटर्स की बातें होंगी। जुनेद जनेटर ने बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेटर्स की धुलाई की है और बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेटर्स के साथ जुनेद जनेटर खेल चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो जुनेद भाई खुदा के फजल से आजकल क्या चल रहा है? लॉकडाउन है, कोविड-19 में ग्राउंड्स बंद हैं, क्रिकेट बंद हो चुकी है, रमज़ान भी चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप आजकल? आजकल कुछ खास नहीं कर रहे, तो बस क्रिकेट को ज़रा मिस कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान में आपको पता है क्रिकेट ज़्यादा होती है, तो बस उसको ज़रा मिस कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा आपके टूर्नामेंट्स होते थे, इस वजह से आप मिस कर रहे हैं क्रिकेट को, क्योंकि ये महीना आपके लिए वर्ल्ड कप जैसा होता था। आप एक दिन के अंदर आपके 15-15 टूर्नामेंट्स होते थे, कभी आप उस ग्राउंड में जा रहे हैं, कभी उस ग्राउंड में जा रहे हैं, तो इस पूरे महीने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते थे टूर्नामेंट्स खेलने के। तो खुदा के फजल से आपने अपनी क्रिकेट का आगाज़ कब से किया, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं आप? जी मैंने फर्स्ट टाइम तकरीबन 2008 में क्रिकेट शुरू कर दी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग बॉल से क्रिकेट शुरू की थी मैंने, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप टेप बॉल, टेनिस बॉल, फिर खेलते खेलते थोड़ा सा प्रोफेशनल में गए, अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए, फिर हार्ड बॉल में चले गए, हार्ड बॉल में अच्छी क्रिकेट खेले। तो बस जुनेद भाई खुदा के फजल से आप बड़े ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, तो आपकी जो बेस्ट इनिंग्स किसके अगेंस्ट थी और कितने रन बनाए थे आपने, बेस्ट परफॉर्मेंस क्या थी ऑलराउंडर में आपकी जुनेद भाई? टेप बॉल में मैंने फर्स्ट इनिंग मेरी थी अपना सांगला हिल में, तो उधर मैंने शानी लेफ्टी, एमल कुल्फी गुजरा वाला और कलीम मुल्तानी, उमेर भट्ट हो गया, ये मुखालफ साइड में थे, तो मैंने इनके खिलाफ किया तकरीबन 12-13 छक्के मारे थे, तो पहली इनिंग मेरी वही हुई। और हार्ड बॉल में तकरीबन मेरा डेब्यू हुआ है एच क्रिकेट क्लब के खिलाफ, जवाहर क्लब में, तो मैंने तकरीबन 105 स्कोर किए थे, तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी थी, तो कोशिश है कि डेब्यू वाला ही परफॉर्म जारी रखें। बड़ी अच्छी बात है कि खुदा के फजल से हमारी नेक ख्वाहिश आपके साथ हैं, खुदा आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें, इसी तरह आप परफॉर्म करते जाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम आप रोशन करें, अपने वालदेन का नाम रोशन करें। और जुनेद भाई खुदा के फजल से आपका जो क्रिकेट का सफ़र है अब तक का किस तरह का रहा? 2008 से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुश्किल का सामना, किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको अभी तक क्रिकेट में? देखो जो क्रिकेटर के लिए मुश्किल हर टाइम होती हैं, क्योंकि एक अच्छे घर का होता है, एक गरीब घर का होता है, जो गरीब घर का होता है उसके लिए मुश्किल ज़ाहरी बात है होती हैं, जो अमीर घर का उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है, तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल यानी कि अब अगर इंसान ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है उसके पीछे टेंशन होगी यार मैंने काम भी करना है, और अमीर का बच्चा अगर खेल रहा है उसको पता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, तो मैं फुल इंजॉय करूँगा क्रिकेट को, और हमेशा अच्छा क्रिकेटर गरीब घर का ही बनता है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं इस आपकी इस बात से एग्री हूँ जुनेद भाई, क्योंकि अच्छा क्रिकेटर जो भी होगा वो गरीब घर से होगा,
और गरीब घर के करेक्टर्स को टेंशन होती है अपने वालदेन की, क्योंकि उसने अपने घर को भी चलाना होता है, क्योंकि अच्छा करेक्टर होगा तो उसको टेंशन होगी, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, और वो करेक्टर जो होता है गरीब घर का अच्छा करेक्टर, उसको अपने घर को भी लेके चलना होता है, अपनी स्टडी को भी लेके चलना होता है, उसके बाद उसने अपने मुल्क के लिए भी दर्द रखा होता है, अपनी कौम के जज्बे का उसके अंदर टैलेंट होता है, दर्द होता है, उसने अपने मुल्क की भी नुमाइंदगी करनी होती है। तो इस वजह से एक बंदा इतने इतने काम करता है और उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो और खुदा के फजल से जुनेद भाई, आपका जुनेद जनरेटर जो नाम है वो किस वजह से पड़ा हमारे शायकिन को बताएं, पूरे वर्ल्ड में आपको देख रहे हैं। ये नाम बस छोटे थे ना, एक शॉट मारता है, हेलीकॉप्टर शॉट होती थी, वो बहुत अच्छी मारता था मैं, तो उसकी वजह से उन लोगों ने नाम रख दिया दोस्तों ने, तो बस वो तब का चलता आ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, जुनेद जनरेटर तो अब खुदा के फजल से पूरे एशिया में चल रहा है जी, जुनेद जनरेटर, क्योंकि एशिया में इसलिए चल रहा है कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जुनेद जनरेटर खुदा के फजल से हर इवेंट्स खेल रहा है। तो खुदा ने बड़ा अच्छा टैलेंट दिया है, तो बड़ी उम्मीद है कि केसीटी टेलीविज़न इस तरह के टैलेंट को पूरे वर्ल्ड में शो करेगा, और आपने मेरा साथ देना है कि जुनेद जनरेटर जैसे टैलेंट को खुदा के फजल से हम फ्यूचर में इनको हम स्टार बनाएं, और यही हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे खुदा के फजल से। आपने साथ देना है तो ये ज़रूर नज़र आएंगे आपको बहुत जल्द। तो जुनेद भाई, खुदा के फजल से आपने हार्ड बॉल क्रिकेट का कब से आगाज़ किया और कौन से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अभी तक खेल रखे हैं आपने? हार्ड बॉल का आगाज़ तकरीबन मैंने 2013 में यानी कि शुरू किया था, तो फैसलाबाद में तकरीबन पहले जब स्टार्ट की तब कोई इतना यानी कि नाम भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, आस्ता आस्ता मेहनत की है, शुक्र अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। फिर अब आपके फैसलाबाद में जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे खेलते हैं, सारों में पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपकी जो क्लब है मॉर्निंग जिम खाना, तो वो तो बड़ी ही ज़बरदस्त क्लब है, उसमें बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, और फैसलाबाद का वो कोई छोटा बड़ा इवेंट्स हो वो नहीं छोड़ते, 50,000 रुपये एंट्री हो, 1,00,000 रुपये एंट्री हो, मॉर्निंग जिम खाना हर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, खुद मैं हर जगह पे कवरेज करता हूँ टूर्नामेंट्स की, तो मॉर्निंग जिम खाना हर टूर्नामेंट्स में होता है, यहाँ तक कि वो शर्त के मैचेस भी खेलते हैं, और 50,000 से नीचे उनकी हार्ड बॉल की शर्त नहीं होती। तो बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी क्लब से खेल रहे हैं खुदा के फजल से। तो और जुनेद जनरेटर, आपको क्रिकेट में अब तक कोई गिला तो नहीं है, इतनी क्रिकेट खेली है, 2008 से खेल रहे हैं, 2021 से चल रहा है, बड़ी मुश्किलात का सामना किया, बड़ा सब्र आपके अंदर है, बड़े तहमल के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेन बात यह है कि आप बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं। जो बंदा बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसके अंदर एक दर्द होता है, एक फीलिंग होती है अपने मुल्क के जज्बे की, और आप उसी जज्बे को लेके चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? गिला क्या करना है क्रिकेट से, बस गिला यही है कि क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए, जब सियासत आ जाती है ना तो क्रिकेट क्रिकेट ही रहती है, लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि सियासत अलग रखें, क्रिकेट अलग रखें, अगर टैलेंट बहुत है फैसलाबाद ज़ाया कर रहे हैं टैलेंट, तो लिहाजा सियासत को एक साइड में रखें, क्रिकेट को एक साइड में रख के खिलाएँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा इनको जी। बाकी मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह, बाकी इन लोगों ने जो करना है सियासत करनी, जो करना है करें, अल्लाह पे यकीन है हमको, क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं, तो अगर दिल से मेहनत की हो ना तो ज़ाया नहीं जाती है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बहुत है अल्लाह के घर, देर अंधेर नहीं है, तो जितनी मर्जी जाती हैं कर लें, तो इंशाल्लाह एक दिन काम आएगा। हाँ ज़रूर आएगा जी, ज़रूर आएगा। इस यूट्यूब चैनल का जो मकसद है, गरीब बनेगा इंटरनेशनल स्टार, इस यूट्यूब केसीटी टेलीविज़न का मकसद है गरीब बनेगा इंटरनेशनल स्टार, खुदा के फजल से ज़रूर बनेगा जी इंटरनेशनल स्टार, क्योंकि एक साल से हमारा जो वर्क चल रहा है वो गरीब नौजवान क्रिकेटर्स को शो करने में चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं हम इसी चैनल पे, गरीब क्रिकेटर्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं,
खुदा के फजल से गरीब भी बनेगा इंटरनेशनल स्टार। तो और जुनेद जनेटर आपका जो बेस्ट ऑलराउंडर आपका है, कौन सा है, किसको आप लाइक करते हैं बेस्ट ऑलराउंडर जो आपका है? अगर टेप बॉल में देखा जाए तो उमर गुजरे के मुझे बहुत पसंद है, और हार्ड बॉल में देखा जाए तो अब्दुल रजाक बहुत पसंद है। बड़ी बात है जी, उमर गुजर और अब्दुल रजाक, इसी तरह इसीलिए आप उन्हीं के जैसे छक्के मारते हैं। और जुनेद जनेटर भी नाम आपका खुदा के फजल से पूरे एशिया में चल रहा है, बड़े फेमस हो चुके हैं, अब तो आप हर छोटे बड़े इवेंट्स में नज़र आ रहे हैं। तो और अब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है जुनेद भाई आपकी? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि ज्यादा आपको पता हर क्रिकेट के साथ होती है, अभी इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं, मजीद मेहनत करेंगे, हारने वालों में से तो नहीं है हम, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, एक दिन उनको बिछार के इंशाल्लाह आगे जाएंगे। ये इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान मुल्क सिर्फ एक दो बंदे का नहीं है, तो हर किसी को हक है अपना अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने सिलेक्टर देख रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ट्रायल मेरिट पे लिया करें, कोई टेबल पर बैठ के टीम नहीं बनानी चाहिए। जो मेरिट पे ट्रायल होते हैं ना, दौर ख़त्म कर देते हैं, ये सिर्फ दो चार पैसों की खातर ना नहीं करना चाहिए इनको कि बच्चा फला खिला दें, हम उसकी सिफारिश है, उसका पैसा दे रहा है, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। जो मेहनत एक बच्चा पाँच साल से मेहनत करके ट्रायल देने आता है तो उसका बेचारे पर क्या गुजरेगी, यार मैंने इतनी मेहनत की है। मगर क्रिकेटर का दिल छोटा नहीं होता है, वो अगर वो नहीं रखता वो मेहनत डबल कर देता है शायद अगले, मगर अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है तो मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। तो खुदा के फजल से मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा जी। जुनेद भाई आपको मेहनत कर रहे हैं खुदा के फजल से, मैं भी प्रोफेशनल क्रिकेटर था, मुझे पता है क्या सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि एक गरीब घर का बच्चा पूरा साल ग्राउंड्स में जाता है, मैचेस खेलता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, अपने ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि क्रिकेटर जो भी ग्राउंड में जाता है उसका रेगुलरली 200-300 रुपये उसका अपना खर्चा है जो उसके ऊपर लग रहा होता है। तो साल बाद अगर वही पैसा काउंट किया जाए तो भाई वो 10-15 लाख से भी ज़्यादा बन जाता है। तो क्योंकि उसके और भी अखराजात होते हैं, क्रिकेट का सामान लेना पड़ता है, ग्रिप लेना पड़ता है, पैडों की जोड़ी, ग्लव्स वगैरह, ये बहुत महंगे होते हैं। ग्लव्स की जोड़ी जो होती है वो महीना डेढ़ महीना निकालती है, ख़राब होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मुझे जितने वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं, मुझे सिलेक्टर्स देख रहे हैं, मेरे सीनियर्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अहदेदारान हैं हमारे पीसीबी के, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ दिल के अंदर रखें, खुदा का डर रखें, आपने एक दिन मरना भी है, खुदा को हिसाब भी देना आपने, तो लिहाजा आप ट्रायल जो है ना मेरिट बेस पे लिया करें, देखा करें कि कौन सा बच्चा ग्राउंड्स में मेहनत कर रहा है, रेगुलर आ रहा है, कौन सा बच्चा मैचेस खेल रहा है, कौन सा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। आप स्कोरिंग बुकें आप देखें प्लेयर्स की, हर क्लब से आप देखें स्कोरिंग बुकें, कौन सा बच्चा अच्छा जा रहा है, उस बेस पे आप ट्रायल्स लिया करें। ये ना हो कि जब ट्रायल्स आते हैं तो आप एसोसिएशन वाले जितने भी बंदे होते हैं सारे मीटिंग करके टेबल पे टीम बना लेते हैं कि एक मेरी क्लब का रख लें, एक मेरी क्लब का रख लें, तो जो बेचारे बच्चे पूरा पूरा साल आ रहे हैं इस बेस पे कि मैं जी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँगा, मैं अपने रीजन की नुमाइंदगी करूँगा, वहाँ से मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँगा, तो उस बंदे का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। उस बंदे का जब दिल टूटता है ना, जब दिल इंसान का टूटता है तो खुदा नाराज़ हो जाता है, तो खुदा कभी माफ़ नहीं करता उस बंदे को। तो लिहाजा आपने टीम बनानी है मेरिट पर बनाएँ, जितने भी लड़के ट्रायल्स के लिए आते हैं उनमें से आप 100 लड़का निकालें, उनकी 4 टीमें बनाएं, हर टीम में 25-25 लड़के रखें, तो उन 25 लड़कों को आप 3-3 मैच खिलाएं और उसी बेस पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएं, वहीं से फिर रीजन, वहीं से फिर पाकिस्तान, तो इसी तरह आप टीम बनाएं। तो आखिर पे जुनेद जनेटर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे शाइकिल को जो पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, जो क्रिकेट को बहुत ईजी लेते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो बेचारा मेहनत कर रहा था उसको मेहनत नहीं करने देते, उसका उल्टा मजाक उड़ाते हैं, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय? देखें जो मेहनत कर रहा था ना अल्लाह पाक को वो बहुत पसंद होता है, तो जो मजाक उड़ा रहे होते हैं ना एक साइड पे, तो एक दिन ऐसा आता है वो मेहनत करने वाला एक साइड पे था, वो सारे एक साइड पे खड़े उसके लिए ताड़ियाँ मार रहे होते हैं। तो बाकी क्रिकेट इतनी आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्रिकेट मांगती है मेहनत, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बगैर कोई काम भी पूरा नहीं हो सकता है। मेहनत करें तो नमाज 5 वक्त पढ़ें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उसके अलावा
जो भी है किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि अगला बंदा भी आपको अच्छे लफ्जों में याद करे। मैंने जुनेद भाई खुदा के फजल से इस तरह के क्रिकेटर्स भी देखे हैं जिन्होंने किसी का मजाक उड़ाया है, खुदा ने खुद उनका मजाक बना दिया है। वो बेचारे आज इतना रुल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट में खेलने के बावजूद भी वो परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों का शिकार हैं। अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी वो बड़ी क्रिकेट में इतना क्लिक नहीं कर सके, फौरन बाहर हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी गलतियाँ हैं। खुदा तो गलतियों की सजा जो है खुदा वो तो पुश्त भी देता है, नस्लों से भी खुदा सजा लेता है। जो आपके वालदेन की सजा होती है, जो उन्होंने गलतियां की होती हैं अपनी लाइफ में, वो अलाद को भी देना पड़ती हैं, उनको भी भुगतना पड़ती हैं। तो इसलिए मेरी जितने शायकीन मुझे वर्ल्ड में देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा आप अपने आप को आजिज़ बनाएं। खुदा आजिज़ी को पसंद करता है, इनकसारी को पसंद करता है, किसी का मजाक ना उड़ाएं। जो इंसान सीनियर्स हो जूनियर्स हो मेहनत कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए दुआ करें। तो खुदा के फजल से अपनी मेहनत को जारी रखें, अपना टाइम ना ज़ाया करें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी वक्त नहीं है टाइम ज़ाया करने का। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, दुनिया में आपको कामयाबी तभी नसीब होगी। सबसे पहले अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें। जुनेद जिनेटर ने आपको सब कुछ बताया है, तो खुदा के फजल से अपनी गेम के साथ सिंसियर हैं। क्रिकेट जो है ये इतना मुश्किल गेम भी नहीं है, इतना आसान गेम भी नहीं है, ये है नेचुरली टैलेंट की बात। और नेचुरली टैलेंट होता है उसके बाद इसको पॉलिश करना पड़ता है, इसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है। और खुदा के फजल से जुनेद जिनेटर के लिए आपने दुआ करनी है खुदा के फजल से। ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, मुझे बड़ा मज़ा आया इनके इंटरव्यू का, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस गुफ्तगू के साथ। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल का जो मकसद है, करीब भी बनेगा इंटरनेशनल स्टार, तो इस मकसद को आपने ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना है। हमारे इस चैनल की सपोर्ट करनी है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, और इसकी सपोर्ट इसी तरह करनी है, आपने रेगुलरली इसकी 20 से 25 वीडियो को वॉच करना है, ताकि गरीब भी बनेगा इंटरनेशनल स्टार जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब हो सकें, और हम आपके सामने इस मकसद को लेके आ सकें। बहुत से ऐसे गरीब क्रिकेटर्स जिनकी फैमिलियों को हम सपोर्ट करेंगे, महाना सपोर्ट करेंगे, उनको हम स्टार बनाएंगे, वो आपके सामने वो स्टार लेके आ सकें। तो नाज़रीन, दीजिएगा इजाज़त जुनेद जिनेटर को, अपने खिदमतगुजार होस्ट पत्रस कल्याण को। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। तो दीजिएगा इजाज़त, चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।